हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये होंडा की सिटी है, 2015 का मॉडल है। गाड़ी देख पा रहे हैं, गाड़ी चालू है अभी। तो मैं इसमें आज आपको यही बताने वाला हूं कि आपके गाड़ी में कूलिंग अगर नहीं हो रही है, एसी चालू है, गाड़ी चालू है, कूलिंग आपको अंदर लग नहीं रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे फर्स्ट टिप क्या करना चाहिए, तो गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं, चाहे आपकी कोई भी गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि गाड़ी कूलिंग हो ही नहीं रही है, तो सबसे पहले आपको गाड़ी में करना क्या है। तो सबसे पहले एसी आप जब ऑन करते हैं तो आपको लग रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसी ऑन है अपना, एसी ऑफ, एसी ऑन। तो कूलिंग देखिए आप कितना आ रहा है, 10.7, 10.6, यानी बहुत स्लोली नीचे आ रहा है कूलिंग, जो कि इसका कूलिंग लगभग अब तक 7-8 तक आ जाना चाहिए, बहुत स्लोली नीचे आ रहा है। तो अगर आपके गाड़ी में ऐसा आपको लग रहा है कि कूलिंग कम लग जैसा लग रहा है आपको, तो सबसे पहले आपको फिल्टर चेक करना है। मैं इसका ब्लोअर का स्पीड हाई कर रहा हूं और आप आवाज सुनिए, जरा सुन पा रहे हैं आवाज, आवाज वाइब्रेशन जैसा आवाज आ रहा है, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हवा, पहले आप गाड़ी जब स्टार्टिंग में चला रहे थे तो एयर का जो फ्लो हो रहा था वो फास्ट आ रहा था, तो अभी धीरे धीरे कम होने लगा है आपका, अभी कम आ रहा है हवा का फ्लो। तो सबसे पहले आपको ग्लो बॉक्स खोलना है, तो ग्लो बॉक्स खोल के फिर मैं दिखाता हूं आपको। तो जैसा कि देख पा रहे, ग्लो बॉक्स खोल दिया मैंने, तो होंडा सिटी का फिल्टर यहाँ है, बाकी अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग जगह पोजिशन दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले आप फिल्टर निकाले, फिल्टर निकाल के देखिए, आप देखिए फिल्टर की पोजीशन, अब कितना मट्टी भरा है, इस वजह से कूलिंग नहीं हो रही अंदर, जैसा कि देख पा रहे आप, ये हवा को जाने दे ही नहीं रहा है, यानी पूरा ब्लॉक करके रखा है, इस वजह से इधर हवा नहीं आ रही है। नंबर वन ट्रिप ये हुआ आपका, और दूसरा ट्रिप ये, फिल्टर आप क्लीन करके या रिप्लेस करके करने के बाद भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अभी भी हवा नहीं आ रही है, तो उसके बाद ब्लोअर क्लीन, ब्लोअर को देख ले कि ब्लोअर में, ब्लोअर की फिन्स जो ब्लेड जो रहती है उसमें जाके मट्टी वगैरह भरा हुआ है क्या, वो चेक करें। तो उसमें अगर मट्टी भरा हुआ नहीं है, फ्रेश है, तो फिर लास्ट में सर्विस करवाना ही पड़ेगा। ये टिप, पहला वाला टिप जो आप चेक करके देख लें एक बार, अगर इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, अभी 9 पे आ गया कूलिंग, ड्रॉप हो रहा है अभी भी कूलिंग अभी, और मैं ब्लोअर की स्पीड हाई कर रहा हूँ, देख पा रहे, स्मूथ चल रहा है बिल्कुल, कोई साउंड नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है इधर कि ये हवा को जाने दे ही नहीं रहा है, ब्लोअर हवा खींच रहा है, ये जाने दे ही नहीं रहा है, तो इस वजह से हवा क्या हो रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है, यानी फास्ट में जितना हवा जाना चाहिए उतना जा नहीं रहा है, इस वजह से कूलिंग नहीं हो रही आपकी, कंप्रेसर को बार बार ट्रिप कर दे रहा है, यही रीजन है। कंप्रेसर ज़्यादा टाइम चालू रहेगा तो जाहिर सी बात है अंदर ज़्यादा टाइम कूलिंग ज़्यादा होगी, और कंप्रेसर फटाफट अगर ट्रिप करेगा, फास्ट ट्रिप करेगा, तो कूलिंग भी कम होगी। तो इसी वजह से अगर आप सर्विस करवाने जा रहे हैं या कहीं भी कुछ भी करवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये वाला टिप आप चेक कर ले, अगर ये वाला टिप फिल्टर अगर क्लीन दिख रहा है आपको, सब सही दिख रहा है, तभी आगे सर्विस करवाए, तभी आप आगे आप दिखाए। आपको अगर कूलिंग बढ़ाना है, जल्दी देखना है, चेक करना है कूलिंग क्यों नहीं हो रही है, हवा नहीं आ रही, तो सबसे पहले फिल्टर चेक कर ले। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें ना आपको समझ में आए, चीज़ें जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है, बस यही है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।